अल्लाह हू अकबर, यह जवानी अल्लाह के रास्ते में लग जाए, इबादत करे और हमेशा की ज़िंदगी पाने के लिए अपनी जान दे दो अल्लाह ताला को। और जान देने का हक़ सिर्फ अल्लाह को है, खुदकुशी हराम है इस्लाम में। अल्लाह हू अकबर। अल्लाह अकबर। सिगरेट पीना हराम है, बेशक तंबाकू मकरूह है, लेकिन फेफड़े आपके सड़ जाएंगे। अल्लाह का काम कैसा करेंगे? ये प्यारे प्यारे गाल, ये होंठ, ये बाल सब अल्लाह की नेमत है, इसका इस्तेमाल करो। ताकतवर रहोगे, मर्द रहोगे तो जहां मर्द रहोगे तो काम भी करोगे। हाँ, बदकार औरतों में पैसा मत लुटाओ, अपनी बीवियों को तोहफे लेकर जाओ और दुआएं लो, क्योंकि मरना है, अल्लाह से मिलना है और हूरे पाना है। अल्लाह अकबर। अपना ईमान कम कीमत पे मत बेचो, मत बेचो, मत बेचो। और याद रखो, हूरों के लिए तैयारी करो, और हूरों के लिए तैयारी करने के लिए आपको बनना होगा जन्नती और शिर्क से पाक। याद रखिए, जन्नत में बहुत हूरें बहुत खूबसूरत हैं, जिन्हें जिन और इंसान ने हाथ कभी नहीं लगाया। वहाँ जाना है तो ये अपने चवन्नी में अपना ईमान मत बेचो, क्योंकि बहुत बड़ी दौलत तुम्हें जन्नत के लिए बुला रही है। वहाँ पर हूरें खूबसूरत खूबसूरत, और आपकी अगर नेक बीवी हो तो वो उनकी सरदार होगी। याद रखिए, यहाँ के शैतानी चाल में मत फंसिए, जिनाकारी में अपनी जवानी बर्बादी मत करिए। अल्लाह अकबर, क्योंकि इनका ईमान नहीं होता जिनाकार औरतों का। याद रखिए, आप एक मट्टी के पुतले हैं जिसमें अल्लाह की रूह है, और रूह निकली आपकी जान या मेरी जान ख़त्म अल्लाह के पास चली, और मठा और ये मठी मठी में चला। एक रास्ता है ज़िंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है ज़िंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है ज़िंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता
अल्लाह अकबर, बस दम निकला, वक्त खत्म, वापस इस दुनिया में भेजा नहीं जाएगा, याद रखिए। शयातीन बुलाते हैं खूबसूरत अंदाज से औरतों की तरह। लेकिन अपने कदम मत डगमगाना ईमान से। हाँ, अल्लाहु अकबर। खैर, एक मिनट गैप। मसीहा आखिरुज़्ज़मां को अल्लाह ताला ने सारे जहां के लिए भेजा है, फिल्मी लोगों के लिए, फिल्म स्टारों के लिए, म्यूजिशियंस के लिए, और ईसाइयों के लिए, यहूदियों के लिए यानी क्रिश्चियंस के लिए, ज्यूस के लिए, हिंदूस के लिए, नटराज बनाकर सारे जहां के लिए। जो आपने मांगा वो लेकर आया। अल्लाह मेरे और ईसा अलैहिस्सलाम यानी जीसस भी मेरे हैं यानी, और राम भी मेरे, क्योंकि राम भी अल्लाह के एक रसूल थे और ईसा अलैहिस्सलाम की औलादों में से हैं, पांचवें जनरेशन से, जिसका प्रूफ मैंने बाइबल में दिया है, बाइबल में मौजूद है। और ईसा अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं राम भी। और नोट करिए, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं और सच्चे नबी हैं, लिहाजा वो भी मेरे। और अल्लाह हम सबका मालिक है। लोग कह रहे हैं कि मसीहा, मेहदी, महादेव, आपके तीन नाम कैसे? बिल्कुल ऐसे ही जैसे जॉन, जानी, जनार्दन, मतलब मसीहा यहूदियों के लिए, मुसलमानों के लिए, ईसाइयों के लिए, मेहदी मुसलमानों के लिए, महादेव हिंदूस के लिए, और वैसे भी अलग अलग नाम हैं, ज्यूस, ओसिरिस, कल्की अवतार, नरसिम्हा, मेराको बंसु, जेसर खान, वेंकटेश्वरा, चन बसवेश्वरा, जुपीटर गॉड, ज्यूस, ओसिरिस मैंने कह दिया, और इसके अलावा जो भी निशानात है अलग अलग कौमों में दिए गए, सब के लिए आया हूँ मैं। क्योंकि अब यहाँ पर मौका नहीं दिया जाएगा, सारी दुनिया को एक इंटरनेट में अल्लाह ताला ने बांध दिया है कम्युनिकेशन के ज़रिए। आप देखिए, ये हवा में म्यूज़िक चल रही है, हवा में कई तस्वीरें चल रही है, ये हवा में जो आप देख रहे हैं, ये हवा मतलब इस दुनिया के अंदर सब कुछ सिग्नल्स की शक्ल में चल रहा है। क्या आप देखते नहीं? आप यहाँ से फैक्स करते हैं, ईमेल करते हैं, तो कैसे वायरलेस चले जाता है? तो ये बीच में एक मीडिया है। वैसे ही अल्लाह ताला भी आलमुल गैब है, और अल्लाह ताला हर जगह अल्लाह के नूर से अल्लाह मौजूद है, लेकिन हमको नज़र नहीं आते, और अल्लाह अपने अर्श पर कायम है, और अल्लाह सारी दुनिया की जो भी चीज़ें हैं सब कुछ अल्लाह ताला के रिमोट कंट्रोल के ज़रिए बंधी हुई हैं, इनविजिबल वायर्स यानी नज़र ना आने वाले वायर्स के ज़रिए, और वो ही हरकत करता है। कोई चूंटी, कोई इंसान, कोई जानवर जो सोचता भी है वो भी अल्लाह को पता चल जाता है, क्योंकि सब के सब उससे बंधे हुए हैं नज़र ना आने वाले वायरों से, जिसे आप रिमोट कंट्रोल के एग्जांपल दे सकते हैं। लिहाजा जॉन, जानी, जनार्दन, ये तीनों नाम है मेरे। फिल्मों में विस्परिंग मिलेगी आपको, जैसे ये लोग फिल्म स्टार्स लोगों का दिल बहलाते हैं, मैं इनका दिल बहलाऊंगा क्योंकि मैं हूं नटराज। ये लोग मेरे ही फोटो की पूजा करके मुशरिक हो गए हैं मेरे आने से पहले और मेरे खानदान के। अल्लाह अकबर, बेशक मैं आ चुका हूँ सबके लिए, बिल्कुल इसी गाने की तरह। समझ में आई बात? बिल्कुल इसी गाने की तरह, नोट करिएगा।
दुश्मनों का दुश्मन हूँ, दोस्तों का दोस्त, दोस्तों का दोस्त और दुश्मनों का दुश्मन। वैसे समझे, हिंदूस मसीहा, मेहदी अलैहिस्सलाम बोल रहे हैं, ईसाई लोग मसीहा बोल रहे हैं, क्रिश्चियन जीसस क्राइस्ट सेकंड कमिंग कर रहे हैं। सो सबके लिए आया, हर किताब में मेरे बशारत है, अलग अलग कौमों में, अलग अलग जबानों में। मैं हूँ एक ही शख्सियत लेकिन नाम अलग अलग, अलग जबानों में हाँ, लेकिन हमारा मालिक एक है, अल्लाह, अल्लाह अकबर। ये फिल्म स्टार्स लोगों का दिल बहलाए, मैं इनका दिल बहलाऊँगा और ये मेरे साथ हो जाएंगे इंशाल्लाह। हर कौम को अल्लाह ने सेटिस्फाई किया है क्योंकि सब एक ही उम्मत है, लेकिन अलग अलग हो गए, मुशरिक हो गए। अल्लाह अकबर, बात समझ में आ रही है। एक ही शख्स, कई नाम, कई मज़हब जो एक ही थे, अलग अलग क्योंकि उनको इस्लाम में आने की ताकीद थी, वो लोग नहीं आए, वही नबी के कौम बने रहे, इसीलिए कई मज़हब है आज। हाँ, समझो मेरी बातें, समझ समझ के समझ जाओ। अगर मुझे अल्लाह ताला आर्टिस्टिक नेचर नहीं देता तो मैं अधूरा होता, क्योंकि यह ज़माना आज फिल्मी दौर में फंसा हुआ है, आर्ट में फंसा हुआ है। इसीलिए अल्लाह ताला ने मुझे मुकम्मल मर्द बना के भेजा है, बॉन्ड 007। समझ में आई बात?
समझ में आई बात? फिल्में देखने से लोगों के जहन पढ़ना सीखा हूं मैं, चाहे अंग्रेजी हो या देसी, समझे? अल्लाहु अकबर, ये बात समझने की कोशिश करो मेरे भाई और बहनों। अंग्रेजी हो या देसी, पहले लोग किताबें पढ़ते थे, कहानियां सुनते थे, आज फिल्में देखना पड़ता है। लोगों का, कई लोगों का जहन एक कहानी के ऊपर काम करता है और वो पर्दे पर डालते हैं। बात समझ में आ रही है? आजकल एक फिल्म पढ़ना, एक फिल्म देखना बहुत बड़ी किताब पढ़ने के बराबर है और दुनिया को पढ़ना मुझे जरूरी था। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। खेल खेल में अजब तमाशे, खेलते खेलते ही हमें दुनिया को जीतना होगा इंशाल्लाह। हम आप ही में से एक हैं, आप ही की तरह, लेकिन थोड़े मसीहा हम अलग किस्म के हैं। अल्लाहु अकबर।
बुलाते हैं शैतान गुमराह करने के लिए, अल्लाह के रास्ते हटाने के लिए, अल्लाह के रास्ते से, लेकिन हटना मत। लेकिन ईमान वाले अपने रास्ते से हटते नहीं, हक के साथ जाते हैं, जायज इश्क करते हैं, जायज हुस्न का इस्तेमाल करते हैं। अल्लाहु अकबर। दुनिया तो रहेगी, दुनिया के मेले भी रहेंगे, लेकिन हम नहीं रहेंगे, क्योंकि हम आए हैं जन्नत को पाने के लिए। कहीं ऐसा ना हो दुनिया रह जाए और हम खो जाएं। ओ हा, 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 हा। ये दुनिया तो चाहती है रह जाओ, मत जाओ इस दुनिया को छोड़कर। ये हसीन है, लेकिन इससे बड़ी हसीन दुनिया जन्नत हमारा इंतज़ार कर रही है। यहाँ पर भी इश्क करो लेकिन जायज़, यहाँ पर भी मोहब्बत लेकिन जायज़।